इस बेटी की गवाही ये है और इसका नाम नेहा है, नेहा। ये मुकाम गांव के रहने वाले हैं और ये बच्ची बोन क्रिश्चियन है, बोन क्रिश्चियन। और इसकी गवाही ये है कि एक साल से दुष्ट आत्मा इसके जीवन में काम कर रहा था, जिसके लिए जी और भी चर्च में गए कि उससे हमें नजात मिले, छुटकारा मिले। और जब दुष्ट आत्मा इसके जीवन में आता था तो लिखा है कि ये ऐसे एक घंटा तक ये रोती रहती थी। क्या रहती थी? एक घंटा तक रोती रहती थी। और दुष्ट आत्मा इसे इतना त्रोड़ता मरोड़ता था कि इसकी हालत बहुत खराब हो जाती थी, जिसके लिए इन्होंने पास्टरों से मतलब प्रेयर भी करवाई, खुद भी की, फिर भी ये प्रॉब्लम, ये मुश्किल इसके जीवन से गई नहीं। और साथ ही इसको रात को ऐसे सांपों के सपने आते थे। क्या आते थे? ये सब कुछ था इसके जीवन में। चर्च जाने की बजाय चर्च भी ये गए, बहुत से पास्टरों से इन्होंने प्रेयर भी करवाई, खुद भी पई कर प्रार्थना की, पर इस चीज से नजात न मिली, छुटकारा न मिला। जिसके कारण लास्ट पर इन्होंने क्या किया, ये बोन क्रिश्चियन है, देखो, मतलब बचपन से प्रभु को जानते हैं, बचपन से, पर जीवन की चंगियाई ना मिलने से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा ना मिलने की वजह से ये बोन क्रिश्चियन है। इन्होंने, इनकी फैमिली वालों ने लिखा, ये सियाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए, जिन्होंने इस बेटी के लिए, इसके ताकि दुष्ट आत्मा इसके जीवन से चला जाए, किसी ने 5,000 रुपया, किसी ने 7,000 रुपया लिया, सियानों बाबे तांत्रिकों ने, ताकि इसकी जो दुष्ट आत्मा वो चली जाए। और इतने पैसे देने के बावजूद भी इसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिला। क्या नहीं मिला? इसको छुटकारा नहीं मिला। और फिर जब इन्हें ये शुभ समाचार मिला, इशारा मिनिस्ट्री के बारे किसी ने इन्हें बताया, और जब से इस मिनिस्ट्री में आए संडे की मीटिंग में, और लिखा कि प्रभु के दास जब दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो सबसे पहले हम उस क्लिप को, उस सीन को देखेंगे कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो वही दुष्ट आत्मा जो एक साल से इसे तंग कर रही थी वो यहां पे भी आया। हाँ, उस सीन को देखेंगे। हाँ बोल शैतान, विश्वास करो, जिसकी भी ये बच्ची है ये कुछ नहीं है, आपके विश्वास से ये देखना आइए पूरी रीति से फ्री हो जाएगा। बोल क्या नाम है? ओए क्या नाम है तेरा? बोल क्या नाम है तेरा? तो क्या नाम है तेरा? बोल बोल क्या नाम है तेरा? नहीं दस रहा। क्यों नहीं दस रहा? क्यों नहीं दसना फिर? कुछ नहीं है ये? तो कुछ नहीं है शैतान? मैं कुड़ी नू मार देना, मैं कुड़ी नू मार देना वा। तेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। बोल शैतान, तू जानता है, यीशु को जान, देख देख अब देख देख देख, किधर आके खोल अपनी, शैतान चल अपनी आंखें खोल, खोल अपनी आंखें, चल खोल, खोल अपनी आंखें, खोल खोल फिर अपनी आंखें, जितर तुझमें इतनी ताकत है तो खोल अपनी आंखें, खोल अपनी आंखें, खोल, अच्छा दिखा फिर अपनी ताकत, दिखा अगर तुझमें ताकत, देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ, खोल शैतान अपनी आंखें, अगर देख सकता हूं, अगर है तो उसमें ताकत तो देख फिर मुझे, देख देख मुझे, ओए इधर देख,
तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, चल रूसाखा पापा, रूसाखा पापा, चल शैतान, पूरी रीति से तुझे उखाड़ता हूं इस बच्ची की बॉडी से, चल उखड़, चल चल पूरी रीति से आस, चल पूरी रीति से आस, चल चल पूरी रीति से निकल, चल पूरी रीति से, चल चल निकल, चल निकल, चल आउट, तू कुछ नहीं, जो मैंने कहा वो हो चुका है, चलो खड़, आउट आउट, फ्री फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हील, फ्री आउट 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 आउट, चल निकल उखड़, आउट फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हील, फ्री फ्री, उठाऊं इसे, सुनो, और ये अब इस उस चीज से, उस दुष्ट आत्मा से फ्री है, बोलो क्या है, ये फ्री है। बस सबसे इस गवाही में मुझे एक सबसे ये मेन बड़ा पॉइंट ये मुझे मिला सर इसकी गवाही से कि ये बोन क्रिश्चियन है। बोन क्रिश्चियन क्या है, बचपन से प्रभु को जानते हैं, इस चीज के लिए कितनी चर्चस में गए, कितने पास्टरों से प्रेयर करवाई, खुद की, फिर उनसे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, और लास्ट पे ये तांत्रिक बाबों के पास भी गए, जितने किसी ने 5,000-7,000 इनसे पैसे मांगे इन्होंने दिए, क्या दिए, पर मैं इस चीज से हैरान हूं, मैं इस चीज से हैरान हूं कि एक बोन क्रिश्चियन बंदा तांत्रिक बाबों के पास जाए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान बिना नाश हो रही, क्या हो रही है, ये इसलिए है कि जो लोग उसके सत्य को उसके उसको अच्छे से पहचानते नहीं, उसके उसके वचन की सच्चाई को और उस खुदा को नहीं जानते, ना तो जैसे यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों ने उसे ऐसे पूछा कि ये औरत का पति बिना संतान के मर गया, दूसरा तीसरा सात जी उठने पर ये किसकी पत्नी होगी, तो यीशु मसीह को सवाल किया, तो उसने कहा, ऐसे यीशु मसीह ने कहा, तुम ना उसकी सामर्थ्य को जानते हो, ना तुम उसके वचन को, ना तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, तो ना ही तुम उसको उसकी सामर्थ्य को, इसलिए तुम भूल में पड़े, भूल में मतलब भटके हुए, क्योंकि ना तो लोग पवित्र शास्त्र जानते हो तो ना उसकी सामर्थ्य को, जैसे ये भटक रहे थे, क्या रहे थे, ये भटक रहे थे, और इन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर परमेश्वर को छोड़कर दूसरे किसी मनुष्य के पास जाना और अपनी चंगाई अपनी शिफा उस चीज को लेना कितना बड़ा पाप है, पता नहीं लगो, यह बहुत बड़ा पाप, क्यों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस दुनिया को सृष्टि करने वाला बनाने वाला उसको छोड़कर किसी एक मनुष्य के पास, सियाना बाबा क्या है, बोलो, तांत्रिक बाबा एक मनुष्य है, लिखा उसके नतनों में भी सांस है, वो निकल जाएगी तो फिर क्या करोगे, हैं, जिसे आप जीवन अपना जीवन ढूंढते हो के इससे मिल जाए, बोलो, और ये गए, यही है कि खुदा के वर्ड उसकी सच्चाई को ना जानने की वजह से, देखो, क्योंकि इन्हें पता नहीं है, परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाना ये सबसे बड़ा पाप है, क्या ये बहुत बड़ा पाप है ऐसा करना, क्या करना, और कई बार लोगों के शैतान घुटने लवा देता है, पर जो लोग आत्मा में स्ट्रांग है, क्या है, जो लोग आत्मा में स्ट्रांग है, आत्मा में बहुत स्ट्रांग है, शैतान की ऐसी की तैसी, बोलो शैतान दी, हालातों की बीमारियों की ऐसी की तैसी, कुछ नहीं है वो, बोलो क्या है, कुछ नहीं है वो,
आपको सिद्ध होना पड़ेगा, कुछ नहीं हो, शैतान शतून कुछ नहीं, हालात कुछ नहीं, पर समझने की जरूरत है। और जो लोग उसके उसको समझ जाते हैं कि वो कौन है जिस पर मैं विश्वास करती हूं करता हूं, वो कौन है, शद्रक मेशक अभेदनगो बारे आप जानते हो ना, पता है कि नहीं पता, कितने लोगों को पता उनके बारे। एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने लिखा एक बड़ी मूर्त बना दी, तो उसने ऐसे ऐलान किया कि पूरे नगर के लोग जब नगारा ऐसे बिना ऐसे ऐसे उसकी आवाज आपको सुनाई दे तो सब इसे आके दंडवत करना, दंडवत मतलब उसके आगे झुकना। तो साथ ही ये ऐलान हो गया जो नहीं झुकेगा उसे एक बल है ना, ऐसे मतलब एक जलते हुए पट्टे में वो ढाल दिया जाएगा। हाँ, जो नहीं करेगा ऐसे जलते हुए पट्टे में मतलब आग के पट्टे, जो नहीं उसके आगे झुकेगा। तो लोग डर के मारे सब, क्योंकि जान सबको प्यारी है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। पर शद्रक मेशक लिखा अभेदनगो किसकी उपासना करते थे, किसकी आराधना करते थे, बोलो आप किसकी करते हो, आप किस पर विश्वास करते हो। और लिखा उनके जीवन के बारे कि वो नहीं झुके, और राजा को जब पता चला उसको उन्हें बांध कर राजा के सामने जब लेकर आए तो राजा ने पूछा तुमने क्यों मेरी बात को माना नहीं। तो उन्होंने कहा हम राजा जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं, जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। आज चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए चाहे ना बचाए, पर हम ये काम ये नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम जानते हैं वो बचाए चाहे ना बचाए, फिर भी हम ये इसके तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, पर हम जानते हैं कि वो तेरी, वो हमें जो तेरा उस भट्टा है आग का उससे भी बचाने की क्या रखता है, सामर्थ मतलब शक्ति रखता है। हाँ? तो राजा को गुस्सा आया कि ये मुझे जवाब दे रहे। और लिखा जब वो आग में तीनों फेंके गए तो लिखा उनके साथ एक चौथा भी था। वो कौन था? हाँ? वो चौथा भी आग में उनके साथ था। वो कौन था, कौन था वो? यीशु। हाँ? उसका आत्मा। लिखा उनका वाल भी नहीं झुलसा। आप ही जैसे मनुष्य थे, आप ही जैसे एक वाल भी नहीं झुलसा, एक वाल भी। राजा ने उस परमेश्वर की ताकत को, सामर्थ को देखकर, क्या देखकर, यह ऐलान किया कि अब जो शद्रक मेशक अभेदनगो के परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा ये, वो अब डाला जाएगा। उल्टा हो गया कुछ ही समय से, कुछ ही मिनटों में क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया। देखो अब राजा ने ऐलान कर दिया कि जो शद्रक मेशक अभेदनगो के परमेश्वर को की आराधना नहीं करेंगे अब वो इस भट्ठे में फेंके जाएंगे। उनके विश्वास, उस विश्वास पे खड़े रहने से, देखो आपको पता नहीं है जिस पर आप विश्वास करते वो कौन और क्या कर सकता है, पर ये जानते नहीं थे, बोलो ये फैमिली जानते नहीं थे। बेशक चाहे ये बोन क्रिश्चियन है, कितने लोग हैं ये, क्योंकि ज्ञान के बिना परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा नाश हो रही, क्या हो रही है, और ना जानने की वजह के कारण। देखो तांत्रिक बाबों के पास गए, पैसे भी दिए, क्या दिए, पैसे भी दिए, ताकि कैसे ना कैसे इसका जीवन सही हो जाए, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा इसके ऊपर अटैक करता है एक घंटा उससे भी ज्यादा देर तक ये ऐसे रोती रहती थी, ये बहुत परेशान, पर किसी ने बताया नहीं। इसीलिए इस मिनिस्ट्री का ये काम है, बोलो क्या है, इस मिनिस्ट्री का ये काम है लोगों को परमेश्वर की पहचान में बढ़ाना, उनके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना,
और देखना जितने लोग इन बातों को पकड़ेंगे वो दुष्ट आत्मा, चाहे वो आज खुद दुष्ट आत्मा के शिकार हैं, वो कल को वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आज वो खुद दुष्ट आत्मा के शिकार हैं, मैंने कहा कल को वो लोग दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। वो कुछ नहीं, बोलो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। बस समझने की जरूरत है कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। और जितने लोग समझेंगे उसकी ताकत को अपने जीवन में लेंगे। आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे। तैयार है? अब दूसरों के जीवन से दुष्ट आत्मा निकालनी है तूने? मैंने क्या कहा? तैयार है? अब दूसरों के जीवन, जो लोग तेरे जैसे, तेरे जैसे तेरी बहने हैं, जो इस चीज की शिकार है, अब खुदा ने ये तुझे समझ दी वो कुछ नहीं है। अब तूने उनके जीवन से किसके नाम से दुष्ट आत्मा को निकालना है? तैयार है? आज से तारीफ करेंगे, तारीफ जोर से। ओके,